नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर सीधे जाने पर लगेगी रोक, टिकट या टोकन लेने के बाद ही पहुंच सकेंगे लोग। पानीपत में हवेली रेस्टोरेंट और स्वर्ण महल होटल हुए सील, दोनों के पास नहीं था ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। बठिंडा में कृषि अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन, 17 साल की लड़की ने संभाली ट्रैक्टर मार्च की कमान। राजीव गांधी के परिवार से जुड़ी संपत्ति की होगी जांच, विज बोले ईडी को भेजे जाएंगे जानकारी। ऊना में 9.20 लाख ठगी की शिकार महिला ने ज्वेलर्स पर जड़े रेप के आरोप, तांत्रिक भी लपेटे में। राफेल के लिए अंबाला एयर बेस तैयार, चीन की चुनौती और पाक की हरकतों पर रहेगी नजर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाए जाने के संशोधन प्रस्ताव राज्यपाल को भेजे। बिना जांच के ही कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से मचा हड़कंप। अब खबर विस्तार से। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुखना लेक पर आने जाने वालों की संख्या कम करने के लिए शहर के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की ओर से नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारियों को सुखना लेक पर टिकट या टोकन सिस्टम लागू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। हवेली रेस्टोरेंट और स्वर्ण महल होटल के कागज पूरे नहीं मिलने पर सोमवार को सील कर दिया गया। झटीपुर स्थित हवेली और स्वर्ण महल के मालिक ने CLU ली है, लेकिन इनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से एक बार फिर नेशनल हाईवे 44 पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। पंजाब में किसान, मजदूर और यहां तक कि राजनीतिक दल भी सोशल मीडिया के जरिए सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा है। ऐसे में बठिंडा की एक 17 साल की लड़की बलदीप कौर ने विरोध करने के लिए ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व कर रही है। हरियाणा में बीजेपी और JJP सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को हरियाणा में आवंटित जमीन के रिकॉर्ड खंगालने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते दिनों में इन ट्रस्टों को देश भर में आवंटित जमीनों का रिकॉर्ड जुटाने के लिए कमेटी गठित की गई है। हिमाचल प्रदेश में ऊना जिला के महतपुर के एक गांव की महिला के साथ हुई ठगी के मामले में नया मोड़ आ गया है। ठगी की शिकार महिला ने इस मामले में पहले से अरेस्ट किए गए स्वर्ण कार पर दुष्कर्म के आरोप जड़ डाले हैं। राफेल के लिए अंबाला एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। इस लड़ाकू विमान के लिए एयरबेस विशेष प्रबंध किए गए हैं। राफेल के आने से चीन को चुनौती तो पाक की नापाक हरकतों पर नजर रहेगी। राफेल के अंबाला एयरबेस पर तैनाती से एयरफोर्स ही नहीं सैन्य शक्ति में भी इजाफा होगा। अंबाला से चंद मिनटों की उड़ान भरकर राफेल दुश्मन देश की सीमा पर पहुंच जाएगा। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने के लिए आज एक बार फिर प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र को भेजा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल की तरफ से मांगे गए स्पष्टीकरण पर चर्चा की गई, जिसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना।